नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर बेशक यहां समारोह किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच वो वायरस उत्पत्ति की जांच को लेकर फिर से घिरता जा रहा है। दुनिया भर के देशों को जांच को पूरा करने के लिए उस पर दबाव पड़ रहा है। कोरोना वायरस के लैब लीक का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। ये मामला पूरी दुनिया में बहस का विषय बन गया है और चीन इस मामले में फंसता ही जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व के तमाम विज्ञानी ये मांग उठा चुके हैं कि वायरस उत्पत्ति की पूरी जांच की जानी चाहिए। एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच के दौरान चीन ने कोरोना वायरस उत्पत्ति के शुरुआती डेटा को हटा दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी की शुरुआत में कोरोना वायरस टेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय डेटा बेस को इंटरनेट से भी हटा दिया गया है। जाँच में पाया गया कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर जाँच को महीनों तक लंबित करने के लिए वीटो का भी इस्तेमाल किया। इस समय को उसने शुरुआती डेटा को हटाने में लगाया है। इसी कारण WHO की लैब से वायरस लीक होने की जांच ठीक से हो नहीं सकी। समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की खोज में मदद करने वाली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वरिष्ठतम चीनी वायरोलॉजिस्ट का सीधा संबंध चीनी सेना के विज्ञानियों से था। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बीते मार्च में वुहान की वायरस विज्ञानी डॉक्टर ची झेंगली पर कोरोना वायरस वाले चमगादड़ों पर खतरनाक प्रयोग किया गया था। हालांकि उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इन शोधों का वुहान इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। अब पता चला है कि डॉक्टर ची झेंगली का संबंध चीनी सेना यानी PLA के विज्ञानियों से था। डॉक्टर ची ने चीनी सेना के विज्ञानी टोन यिगांग के साथ मिलकर साल 2018 में कोरोना वायरस पर एक शोध किया था। इसके बाद शी ने साल 2019 में एक अन्य सैन्य विज्ञानी झोउ युसेन के साथ किए शोध में कोरोना वायरस पर काम किया। इसके बाद साल 2020 में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि चीनी सेना के विज्ञानी झोउ का निधन हो गया था, जबकि उसकी मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं एक अन्य समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अपने शोध के शुरुआती डेटा को यकीनन इसलिए डिलीट कर दिया ताकि कोरोना के मूल स्रोत का कभी पता नहीं लगाया जा सके, इसलिए वह WHO की जाँच को गुमराह कर पाया। चीन ने महीनों तक जांच को टालने की कोशिश की और इसमें अपनी साझेदारी को अपने वीटो पावर से अपने पक्ष में किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।